गई हो एलिफ तुम। तुमने इतनी देर लगा दी, मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। मुश्किल से आई हूं एलिफ। तुम्हें अभी भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूं। नहीं, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। कर सकता है आजाद, जब तक अपने घर में हूं मजबूर हूं। घर तो वो होता है जहां इंसान को सुकून मिलता हो, जब अपने घर में जाए तो खुद को महफूज समझे। मगर तुम तो जानते हो कि हमारे घर में कोई भी महफूज नहीं है। अब तुम उस घर में नहीं रहोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो, क्योंकि मैं इस डर के साथ बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकती। अलिफ, तुम मतलब देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे कि तुम्हारे फैसले का नतीजा कुछ भी हो सकता है, जानती हो ना? जानती हूं, मैंने सोच लिया है, मैं जाऊंगी। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। अब मैं उस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। अब तो और भी बहुत मुश्किल हो गया सब कुछ। क्यों, क्या हुआ है बताओ? दिलशा आंटी की। लेकिन अगर तुम बताना ना चाहो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया आजाद। कभी कभी इंसान ऐसे ही चाहता है कि सामने वाला बगैर बोले ही उसकी बात समझ जाए। आजाद, अब मुझे घर जाना होगा, अकेली होकर कॉल करूंगी। ठीक है। वो अपने कमरे में है, थोड़ा आराम कर रही हैं। शुक्रिया रेहान। मीरान, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूं, लेकिन वो इस घर में बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं लग। और इंतजार करते हैं बस थोड़ी देर के लिए, शायद वो समझती है कि ये दादी जान की हवेली है। नहीं, तुम जहां रहोगे वो वहीं रहने के लिए तैयार है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। देखो, जो कुछ भी तुम्हारी दादी जान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नानी ऐसा कर सकती हैं। वो तुम्हारे ही बारे में सोच रही हैं, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। अलिफ, ये घर से बाहर कब गई थी? अलिफ, कहां से आ रही हो तुम? घर से बाहर जाने से मना किया था तुम्हें। रयान, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, लेकिन बाहर सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं और मुझे बिल्कुल अकेले जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम भी मेरे साथ आओ तो। एलिफ, मैं। प्लीज रयान, मुझे आजाद से मिलना है, वो घर के पीछे मेरा वेट कर रहा है। तुम आजाद भाई से मिलने जा रही हो? सिर्फ आखिरी बार मिलने जाना है, अगर उससे अभी ना मिली तो फिर कभी भी अलविदा नहीं कह पाऊंगी। अगर तुम मीरान से जाने का कहोगी तो। बिल्कुल नहीं भाई, आजाद के नाम से ही गुस्सा हो जाता है, तुम जानती हो। अगर उन्होंने मुझे आजाद के साथ देख लिया तो फिर तो तुम बेहतर जानती हो। समझो रेयान,
जल्दी आ जाऊंगी, प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस घर में किसी के गुलाम नहीं हूँ भाई। दादी को मैं गुलाम लगती होंगी, लेकिन मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। अब क्या आप ही दादी की तरह मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ गई? अलिफ, तुम जानती हो कैसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद होता हूँ। अलिफ मुझे बता कर गई थी बाहर। लेकिन मैं अपने भाई से कभी भी दूर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ मैं जहाँ भी जाऊंगी मेरा भाई हमेशा मेरे सामने खड़ा होगा। अलिफ, बहरहाल मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तक मैं आजाद नहीं हो जाती उसी कमरे में रहूंगी। अलिफ, जाने दो उसे, वैसे ही बहुत परेशान है। और बाहर जाते हुए मैं जानता हूँ वो थक चुकी है, पर मैं नहीं चाहता कि वो बाहर जाए। शायद इस तरह उसे सुकून मिल जाए और कुछ नए दोस्त बन जाए उसके। उसे अपने लिए खुद सोचना होगा, लेकिन जब वो इस तरह अचानक से गायब हो जाती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। कहाँ हो तुम यारिन, कहाँ हो यारिन? कोई तो ऐसा दिन हो कि तुम मुझे सुकून का सांस लेने दो। क्या करूं मैं इस लड़की का? अल्लाह तू मदद कर हमारी, अगर किसी को भी पता चल गया तो कितना बुरा होगा इसके साथ। कहाँ गई थी तुम? किसको बता के गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अब चलो अंदर। अम्मी आपको मेरी मदद करनी होगी। इस लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती, समझे मेरी बात को प्लीज। करो तुम, तुम अंदर चलो जरा, मैं तुम्हारा दिमाग साफ करती हूँ। इससे पहले भी तुमने यही तमाशे किए थे, अब किसी गुमान में नहीं रहना, जिंदा नहीं बचोगे। अम्मी आप मेरी बात तो सुन ले, क्या आप ये बात जानती हैं कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो लड़का बिल्कुल पागल है? इस शादी को रोक दे, आपको अल्लाह का वास्ता है।